and cappuccino, please. Yeah. Sure. With low fat milk. Okay. Thank you. Damn. फोन की बैटरी को भी खत्म होना था. Excuse me, can I borrow your cell? Excuse me. एक कॉल कर सकता हूँ. माय फोन बैटरी इज डेड. थैंक यू. इसी एरिया में है इनका गैंग. मेरा भी मोबाइल चोरी हुआ था. रियली? हाँ, ये लोग अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं और किसी ना किसी बहाने से आपका फोन ले लेते हैं और चले जाते हैं. नो 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 नो, वो आदमी इधर था, वो किधर गया? आई थिंक बाहर. व्हाट? मैं पुलिस को फोन लगाती हूं. फोन तो वो लेके आप प्लीज जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए. ओके 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 मैम, मैं ऑफिस में आके बात करता हूँ. ओए चोर, चोर मेरा फोन लेके कहाँ भाग रहे थे आप? मेरा फोन दो. क्या कर रही हैं? जल्दी से पुलिस को बुलाओ, मैंने इसे पकड़ा है. आपसे पूछ के लेके आया हूँ फोन. मैं पूछ के लेके आए तो बाहर क्यों जा रहे थे? हाँ, मेरा हाथ छोड़ो. रुको, मुझे अभी पुलिस को फोन करने दो. मैं अरे डू आई लुक लाइक अ थीफ टू यू? पहले तो मेरा फोन दो और इंग्लिश में भी बात करती हो तो. मैम, ये चोर नहीं है. मैम, ये चोर नहीं है. ये हमारे पुराने कस्टमर है, मिस्टर कृष्ण मेहरा. आई एम सॉरी. इट्स ओके, इट्स ओके. आई एम रियली सॉरी. वो आर्टिकल में लिख कि मैं चोर हूं. नो नो नो, वो एक्चुअली आप मेरा फोन लेके भाग बाहर गए थे तो. What can I do to make it up? It's okay. Already आप बहुत कुछ कर चुकी हैं. Congrats on the race. Rising stars and mind changers. Let's drink to it. Thanks, Shivangi. Acha, listen. We have a pitch meeting today with that new fashion startup, Hot Life. But pitch next week thi na? Aur mujhe ghar ka kaam hai bahut. Client wants to see us today. Tum weekend mein apna kaam finish kar lena. Sure, why not? Mujhe na weekends pe kaam karna bahut pasand hai, you know. Bade race ke saath responsibilities bhi badh jati hain. And we are the agency, so client jo bolega to karna hi padega na. ऑफिस चले? एक सेकेंड, वो ऑफिस नहीं है, को वर्किंग स्पेस है. एक ही फ्लोर पे ना जाने कितने स्टार्टअप्स और एजेंसीज बैठे हुए हैं. मेला लगा रखा है उन्होंने, तभी तो मुंह उठा के कभी भी बुला लेते हैं. लेट्स गो, चल. प्रेजेंटेशन तो अच्छी थी, लेकिन इस एजेंसी को पिछले 3 क्लाइंट्स ने रिजेक्ट किया है. ओके. और ऐसी एजेंसी के साथ हम एसोसिएट नहीं कर सकते. But sir, paper cup marketing is one of the best in the industry. Miss Kohli, ऐसे लोगों के साथ काम करके मैं अपने स्टार्टअप की इमेज खराब नहीं कर सकता. Right, sir. And for me, image is everything. I can understand, sir. Who's next? Sir, next is Mind Changers. It's again one of the best in the fashion industry. Hi, this is Mr. Krishab Mehra, founder of Hot Life. तुम? I mean, up. Let's start. Sit. Hot Life, making premium fashion accessible. Okay, so I'll start with the presentation. Through these targeted engagement activities, we will increase the reach of your app to 10 million users in 3 months. Interesting, miss. Ira Ganguly. Do you really think luxury brands need us? Yes, I think that it's a great idea. And what I've planned, Miss Kohli, आप क्या कहना चाहेंगे? Luxury brands would never agree to associate with us. Yes, मेरा भी यही मानना है. Luxury brands don't need us.
Yes, Mr. Mehra, you're right. We will rework on it. Krishav. May I call you Krishav? इंडियन मार्केट में लग्जरी ब्रांड्स फेल हो रहे हैं और उन्हें आपके प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और अगर हम रिजेक्ट हो गए तो मार्केट में हमारी इमेज लूजर्स की हो जाएगी। बट आप एक स्टार्टअप कंपनी है एंड आपकी इमेज आपके काम से जानी जाएगी, तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। एंड आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड डोंट यू थिंक दैट ट्रू फ्रीडम इज व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। थैंक्स फॉर योर टाइम मीरा सर, मे बी। थोड़ा डिप्लोमेटिक नहीं हो सकती थी? गया ना ये अकाउंट भी हाथ से। स्टार्टअप कंपनी है एंड आपकी इमेज आपके काम से जानी जाएगी, तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। एंड आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड डोंट यू थिंक दैट ट्रू फ्रीडम इज व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। हे चैम, सब ठीक? यस डैड, वो एजेंसी के बारे में सोच रहा था। आज की प्रेजेंटेशन में आइडियाज काफी अच्छे थे बट काफी रिस्की थे। दैट्स गुड, बट बेटा रिस्क के बिना रिवॉर्ड भी तो नहीं है ना। यू आर राइट डैड, लेकिन आज की मीटिंग में वो किसी एजेंसी से लड़की आई थी, क्या नाम था, इरा, हर बात में मेरे ऑपोजिट बोल रही थी, हर बात के लिए डिसएग्री कर रही थी। आई मीन इट्स सो इरिटेटिंग। चलो कोई तो है तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, ऐसे बंदों को अपने साथ रखो। चलो खाना खाते, कम ऑन। जैसे ही मौका मिला ना, मैंने वहां से चॉकलेट उठा ली और आई जस्ट कुडंट हेल्प माय सेल्फ। एंड वो चोरी करने में जो मजा आया ना, जो किक मिली, आई टेल यू मैं हेल्पलेस हो गई। प्लीज हेल्प मी इरा। क्लिप्टोमैनिक्स के लिए चोरी एक एडिक्शन है एंड यू हैव टू कंट्रोल द किक इंपल्स। और अगर ज्यादा परेशानी है तो मैं प्रिस्क्राइब कर देती हूँ एंटी डिप्रेसेंट्स। नो 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 प्लीज डॉक्टर, नो एंटी डिप्रेसेंट्स। Makes me feel weak and tired, but I promise you, मैं खुद को control करूँगी। ठीक है, तुम कहती हो तो no pills। और जो मैंने exercises लिखी थी वो कर रही हो ना? इरा? एक second doctor। Hello? नहीं नहीं, मुझे कोई loan नहीं चाहिए, please। इरा? Hey इरा? Guess what? We've got the account of Hot Life Fashion। सच्ची? Yes। Great। And the good news is, Krishav himself has requested that you will work from the office. जब बोर हो जाओगे वहाँ वापस आ जाना यार। Please यार, it's a big account for us. Okay, fine, let me think. ठीक है, मैंने हाँ बोल के आ रही हूँ। अरे शिवांगी, listen. Good morning, Ira. Hi, good morning. How are you? Fine. Come, I'll show you your space. Yes. Actually, our office is an open office. No doors, no walls. So you can look for a comfortable space for yourself. Okay. Is somebody coming? Thank you.
काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, काफी अनकंफर्टेबल लग रही बीन बैग पर। आप मुझे इतनी देर से नोटिस कर रहे हैं? Not in that way. I mean, just kidding. Relax. By the way, thanks for your concern. It's okay. Come with me. तुम्हें ज़्यादा comfortable जगह दिखाता हूँ बैठने के लिए। आँखों में रहता है चेहरा तेरा, होठों पे रहता है नगमा तेरा, मेरे जहन में बस एक तू, तेरे सिवा क्या है मेरा। अपना खुदा हर खुशी की तू वजह, गर जो हुई तू मुझसे जुदा, मर जाऊंगा तेरे। हाय गाइस, आज से हमारी टीम में एक नए मेंबर ज्वाइन करने जा रहे हैं और मैं आप सबको उनसे मिलवाना चाहूंगा, सो प्लीज वेलकम आवर न्यू CDO चीफ डिस्ट्रेस ऑफिसर। मैं डिनर के लिए बाहर जा रहा हूँ, काम खत्म हो गया तो ज्वाइन मी। श्योर? एक्चुअली तुम जाओ, मेरा बहुत काम बचा है। फाइन। ये क्या? अब तुम मेरी कंपनी के लिए इतनी मेहनत करती हो तो मैंने सोचा कुछ देर के लिए तुम्हारी कंपनी में भी बन जाऊं। ओहो, इंप्रेसिव। वैसे मिस्टर खड़ूस मेहरा कब से इतनी कूल बातें करने लग गया? हाँ मिस हीरा गांगुली, यू आर फायर्ड। फाइन, आई क्विट। कंपनी में कुछ मिसिंग था ना,
नो, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मुझे गाड़ी चला के घर वापस भी जाना है। मैं कैब बुला दूंगी बस। और तुमने कहा था ना तुम मुझे कंपनी देने आयो, तो अब इसमें भी तो कंपनी देनी पड़ेगी ना। कम ऑन, फाइन, चीयर्स। वैसे तुम ऑफिस में इतना काम करती हो, लेट नाइट तक भी यहीं पे रहती हो, तो बॉयफ्रेंड के लिए टाइम कैसे निकालती हो? ओह, तो तुम ये पता करना चाहते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। बट सॉरी, तुम्हें इसका जवाब तो नहीं मिलेगा, वो भी इतनी आसानी से। एक गेम खेलते हैं, ट्रुथ एंड डेयर। आई डोंट माइंड, तो लेट्स फिनिश इट। श्योर। मुझ पे ही आ गया पहला। फाइन, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड। फाइन, यू ट्रुथ, सेम क्वेश्चन। आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड। आई मीन बॉयफ्रेंड भी नहीं है और गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ओके, सीक्रेट बताओ जो किसी को ना पता। I just don't know how to say. Say. I can pour bad will. You. Should I show you? No. Disgusting. No. Actually, एक महीना हो गया है, मैंने कुछ नहीं चुराया। Are you sure? Well, that's great, Ira. You know, मैं चोरी तब करती थी whenever I used to feel stressful या फिर anxious. चोरी करने में मुझे एक thrill मिलता था. You know that tingling feeling. और चोरी करने के बाद ये stress, ये anxiousness सब चला जाता था. And you miss that feeling? Actually no, क्योंकि मुझे उसके साथ भी वही same tingling feeling आती है। किसके साथ? कृष्ण, हम एक महीने पहले ही मिले थे। और तब से तुमने कुछ नहीं चुराया? ये feeling serotonin की वजह से, ईरा। पहले तुम्हें चोरी से मिलता था, अब तुम्हें कृष्ण से मिलता है। Now कृष्ण is in your life, और कृष्ण की वजह से your body is releasing that hormone। मतलब बहुत सिंपल है ईरा, you like this guy। No, doctor, nothing like that. Ira, प्यार दिल का काम नहीं, hormones का काम है। और hormones कभी झूठ नहीं बोलते।
तो यहाँ है क्या? बस दो मिनट। डोर, चलो एक सेकंड, डोर मैट पैर साफ कर लो। ओके। बहुत गर्मी है ना, एसी ऑन करता हूँ। नाउ फाइन, कम। यू नो दिस पार्ट, टेक, हाँ टेक वहाँ सामने बैठेगा, एंड ये मार्केटिंग, मार्केटिंग उसके एकदम बाजू में, सेल्स यहाँ, नहीं नहीं यहाँ नहीं, वो सामने स्टेयर्स है, स्टेयर्स से लेफ्ट लेके वहाँ पे सेल्स। तुम नया ऑफिस ले रहे हो? ले नहीं रहा, ले लिया, एक इंस्टॉलमेंट में दे चुका हूँ। That means you're moving out. Not now, 3 महीने तो लगेंगे सेटअप करने में। और हाँ, मेन चीज़ तो बताना भूल ही गया, यहाँ मेरा कैबिन होगा और उसके बगल में सीएमओ का कैबिन, यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का। ओके, ये क्या है? ये टंटन। यू नो आजकल जब भी मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरी आंखों के सामने एक ही इमेज आती है, मेरे साथ तुम। अब मेरा और मेरी कंपनी का फ्यूचर दोनों तुम्हारे साथ हैं। यू आर माई वर्क लाइफ बैलेंस। सो मिस ईरा गांगुली, आई लव यू, विल यू एक्सेप्ट माई ऑफर? So, मैं तुम्हें अब बॉस बुलाऊं या बेबी? ऑफिस में बॉस एंड बाहर बेबी। ओके, बॉस बेबी। थैंक यू। जैसे कि सब जानते हैं कि ईरा माइंड चेंजर्स कंपनी से है, और जब से इन्होंने हॉट लाइफ के लिए काम करना शुरू किया है, हमारी मार्केटिंग को काफी बूस्ट मिला है। इसलिए आज से मैं ईरा गांगुली को अपनी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर रहा हूं। सो प्लीज वेलकम इस ईरा गांगुली, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। लिसन, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पार्टी में इन्वाइट किया है, सो मैं चाहता था कि Will you come with me as my girlfriend? और वैसे भी सब तुमसे मिलना चाहते हैं। पर तुमने तो कहा था कि personal और professional life अलग रहेगी, फिर? हाँ, so personally तो है, baby. Okay, baby.
करो। यू लुक स्टनिंग। थैंक यू। चलो सबसे मिलवाता हूँ। गाइस मीट माई कंपनीज न्यू CMO एंड माई गर्लफ्रेंड ईरा गांगुली। हाय आई एम टीना। हाय I've heard a lot about you. I'm finally meeting you today. CMO ma'am, free advice दे रहा हूँ। इससे जरा सा दूरी रहना आप। क्यों? ये actually Krishu के बहुत सारे राज जानती है। They were dating for a bit. 2 years is not a bit. And यार वो पुरानी बात। अब तो इसके पास तुम हो। By the way, has he taken you to his favorite spot? Guys, shots. Come on. To Ira. Cheers. क्या मैंने सुना है कृष्ण ने तुम्हें जॉब दी है? दी नहीं है। She deserves it. By the way, टीना तुम क्या करती हो? I have my own small business. Nice. अब 10 मिलियन की फंडिंग मिली है और ये स्टार्टअप का आइडिया भी ना मुझे टीना ने ही दिया था। यार enough work discussions यार, come let's go and dance. क्या डाला? कुछ भी तो नहीं मैम। आपने अभी स्पून डाला पर्स में। What happened? सर मैम ने स्पून डाला पर्स के अंदर अभी। What? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? दिमाग सही तो है आपका? और गेस्ट से ऐसे बात करते हैं क्या? सर ऐसा नहीं है, मैंने मेरी आंखों से देखा है, ये अपने पर्स में स्पून डाल रही थी। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। कॉल योर मैनेजर। भाई रुक जा यार। तू चुप कर यार, कुछ भी बोल रही है, मेरी कंपनी की CMO है और चम्मच चुराएगी। सर मैंने देखा है तभी बोल रही हूँ। यार रिलैक्स, देयर माइट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ईरा तुम बैग खोल के दिखा दो। टीना प्लीज नॉट टुडे। मीरा चलो। गाइस क्या था ये सर? ईरा मैं कुछ पूछ रहा हूं। क्लेप्टोमेनियक, कुछ चीजें चुराने की आदत है। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे? मैं तुम्हें बताना चाहती थी। आई वॉज वेरी स्केर्ड। I love you so much. और मैं ये नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से हमारा रिलेशन स्पॉइल हो जाए। रिलेशनशिप? रिश्ते सच पे चलते हैं, झूठ पे नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया, अपने दोस्तों से मिलवाया और तुमने मेरी इमेज खराब कर दी। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरी गर्लफ्रेंड चोर है,
कृष्ण प्लीज कृष्ण, मैं ऑलरेडी थेरेपी ले रही हूँ, प्लीज प्लीज कृष्ण, आज की बात अपनी शक्ल मत दिखाना। तुमने हीरा को जॉब से निकाल दिया? हाँ डैड, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और उसकी इस बार इतनी बड़ी गलती को मैं ओवरलुक नहीं कर सकता था। तुम्हें याद है कृष्ण, स्कूल में तुमने एक लड़के की बहुत पिटाई की थी? हाँ, और उसके लिए मुझे एक महीना स्कूल से सस्पेंड भी किया गया था। कृष्ण, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, बट मुझे और तुम्हारी माँ को स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया था। तुम्हारे प्रिंसिपल ने हमें बैड पेरेंट्स, बैड इन्फ्लुएंस, नॉट ना जाने क्या क्या बोला था, और इन सब बातों के लिए मैं तुमसे बहुत नाराज था, बहुत गुस्सा था, क्योंकि इतनी हमारी ह्यूमिलेशन हुई थी। फिर तुम्हारी माँ ने बताया कि वो लड़का तुम्हें बुली करता था। डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि अगर उस टाइम भी हम तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने के बजाय गुस्सा करते तो तुम आज वो नहीं होते जो तुम हो। डैड, वो चोर है, मेरे फ्रेंड्स की पार्टी में चोरी की है उसने। क्या किया इस बात को मत सोचो बेटा, क्यों किया इस बात को समझो। क्या तुम उसको इतना प्यार करते हो कि उसको सपोर्ट कर सको, उसकी मदद कर सको? डू यू रियली लव हर? अगर इन सवालों का तुम जवाब ढूंढ सको तो आई एम श्योर तुम्हें आगे का रास्ता मिल जाएगा। आंखों में रहता है चेहरा तेरा, होठों पे रहता है नगमा तेरा, मेरे जहन में बस एक तू, तेरे सिवा क्या है मेरा। तुझे है माना अपना खुदा, हर खुशी की तू वजह, गर जो हुई तू मुझसे जुदा, मर जाऊंगा तेरे बिना। हम नवा
What happened? आपको नहीं पता? Look at this. ईरा एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे चोरी करते पकड़ी गई. ये हमारी हॉट लाइफ की इमेज के लिए अच्छी नहीं थी. अच्छा ही हुआ आपने उसको फायर कर दिया. Get back to work. Excuse me, sir. ईरा गांगुली. कृषव राइट? या मैं डॉक्टर श्वेता भारा, ईरा की थेरेपिस्ट. कैसी है वो? सर, आइए बात करते. पार्टी के अगले दिन वो मेरे पास आई थी. बहुत ज्यादा परेशान थी. अपनी जॉब से ज्यादा तो उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी वजह से आपकी और आपकी कंपनी की इमेज खराब हो गई. लेकिन वो चीजें चुराती क्यों है? उसे किस चीज की कमी है? उसे प्यार की कमी है. एक्चुअली ईरा के पेरेंट्स की डेथ तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ईरा जब 16 साल की थी तो उसके भाई की डेथ भी एक रोड एक्सीडेंट में हो गई. एंड शी वेंट थ्रू ए मेजर ट्रॉमा, और जिसकी वजह से वो क्लेप्टोमेनिया के शिकार हो गई. चीजें चुराना उसकी आदत सी हो गई है. बट द बेस्ट पार्ट इज वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, क्योंकि क्योंकि उसकी मेडिसिन आप थे. एक्चुअली कृषव, मैंने बेल और फॉर्मेलिटीज कर दी हैं एंड मुझे कहीं जाना होगा. इफ यू डोंट माइंड. डोंट वरी, ईरा को मैं ड्रॉप कर दूंगा. या प्लीज प्लीज, थैंक यू. टेक केयर ईरा. के बारे में नहीं बताया. सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हारी इमेज खराब हुई. आई वॉन्टेड टू टेल यू बट आई वाज बीइंग सेल्फिश. मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी. इट्स ओके. तुम्हारी थेरेपिस्ट मुझे सब बता चुकी है. इफ यू डोंट माइंड, तुमने जो कुछ भी चुराया है मैं देख सकता हूं. That's it. ये तो कुछ भी नहीं है. यही मेरी सच्चाई है जो मैं सालों से यहां कलेक्ट कर रही हूं. यू नो, व्हेनेवर आई फेल्ट एंग्शियस और स्ट्रेस्ड, मैं कुछ ना कुछ चोरी कर देती हूँ. बट ताज्जुब की बात यह है कि जब से मैं तुमसे मिली हूं ना, आई फेल्ट द सेम रश. तुम्हारे साथ आई नेवर फेल्ट द नीड टू स्टे. ऐसा लग रहा था जैसे मैं आजाद हूं इन सब से, इन गिल्ट से. ऋषव तुम जाओ, मैं तुम्हारी या तुम्हारी इमेज के लिए सही नहीं हूं. चलो मेरे साथ. ऋषव, गाइस मुझे अनाउंसमेंट करनी है. ईरा गांगुली हमें वापस ज्वाइन कर रही है एज ए सीएमओ ऑफ हॉट लाइफ. ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए. मैं तुम पर दया नहीं कर रहा, तुम डिजर्व करती हो. ईरा, आई एम सो सॉरी. मैं जानता हूं जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं था. मैं अपनी इमेज के चक्कर में तुम्हें छोड़ के चला गया था.
बट नाउ नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू हीरो। सर लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हे यू, रिकॉर्डिंग बंद करो। कोई बात नहीं, करने दो। मुझे किसी ने कहा था इमेज काम करने से बनती है, और मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, और अब अगर मैंने तुम्हें भी खो दिया तो एक्चुअली मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, और मुझे ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए। हीरा, तुमने आज तक जो कुछ भी चुराया ना, सब वापस किया जा सकता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो वापिस नहीं की जा सकती। क्या? वो है मेरा दिल। क्या मैं फिर से तुम्हारा बॉस भी बन सकता हूं? प्लीज कृष्ण, व्हाट इफ मैं खुद को बदल ना पाऊं? तो हम वार्डरोब बड़ा ले लेंगे। प्यार तूने